बीजेपी ने ही चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए पार्टी के सभी बड़े चेहरों को प्रचार में उतार दिया है और इसी क्रम में ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा करेंगे और कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री आज ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर ही मथुरा की बलदेव विधानसभा के दिन दयाल धाम और फरा में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद दोपहर एक बजकर पंद्रह मिनट पर ही आगरा की खेरागढ़ विधानसभा की मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर ही आगरा की ही आगरा ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमोला और कंडोल को भी सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही प्रत्याशियों पर हमले की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं और इसी बीच में आपको बता दें कि अब उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां भाजपा प्रत्याशी ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है पूर्व विधायक अनिल कुमार ने बताया है कि उनके काफिले में शामिल एक का कार में ही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी जिससे कार सड़क के नीचे जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार विधायक के साड़ू समेत पांच लोग घायल हो गए हैं भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक बाल-बाल बच गए हैं घायलों को पहले स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही लाया गया जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है आपको बताते चले कि ऐसे मामले में ही समय पर सामने आया है जब ओबेसी के काफिले पर फायरिंग की गई थी और इस मामले में ओबेसी बाल-बाल बच गए थे जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस कथित हमले में ही घायल भाजपा के पांच समर्थकों को पहले मेरावा

कार में ही पिकअप वैन ने टक्कर मार दी भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि पिकअप वैन का ही चालक पहले से ही इंतजार में था ओवेसी पर शुक्रवार को हमला हुआ दो हमलावरों ने ओवेसी की गाड़ी पर तीन गोलियां चलाई उन हमलावरों को हिरा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है चुनाव माहौल में ऐसे हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं कार पर फायरिंग के बाद से आज फिर ओवेसी यूपी में चुनावी प्रचार मैदान में उतरेंगे और लोनी और छपरौली और गढ़ में प्रचार करेंगे आपको बताते चले की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही बस पांच दिन ही ही रह गए हैं। बढ़ती ठंड के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है कोहरे की वजह से जो दृश्यता है वो भी कम हो गई है दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक ही उत्तराखंड पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है इसके साथ ही आपको बता दें कि साथ ही देश के कई हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड भी होगी आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की तरफ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ही पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और वही दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश ने ठंड बढ़ा दी है वही शुक्रवार को दिन में भी आसमान में बादल छाए रहे फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है